रोजपुर के गांव लुथड़ की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर घर से अगवा करने के मामले में परिवार की तरफ से पुलिस की कारगुजारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि अगवा की गई लड़की के चाचा और दादा के बयानों पर पिता पुत्र सहित चार व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बात करते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मेरी पोती लग दी सी जी, इस तरह मुंडे अगवा करके लै गए ने, ते इन्ने दिन हो गए कोई लभी नहीं दी, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी। कल नू कोई लड़की नाल कोई चांस हो जाता है, इस चांस दे जिम्मेवार पुलिस वाले ने जिन्हां नू असी तलाह करके आए। की नाम की लड़की का? लड़की का नाम सी जी वंदना। पिंड लूथड़ तो रविंदर कुमार उर्फ दीपू, सुरजीत, सागर, देबू, अशोक कुमार लड़की विआह का झांसा दे के वरगा के लै गए ने। इस गिरोह नूं अज 19 तरीक का FIR लॉन्च हुई हुई, 3-4 दिन हो गए ने, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साढ़े कहने सुरजीत कुमार नूं अरैसट किया पुलिस ने, पर 2-4 घंटे रख के छड़ दिता गया। पिंड लूथड़ के जोगिंदर सिंह पुत्र देसराज उन्हें दी एप्लीकेशन थाने सदर कि उन्हें भरा अमरिंदर कुमार की डैथ हुई है, उनकी भतीजी अमरिंदर की लड़की वंदना उम्र करीब 17 साल, जिन्हों उन्होंने पिंड का एक रविंदर दीपू आ सुरजीत सिंह लड़का, वह विआह का झांसा दे के जरा वरगला के भजा के लै गया, जिंदे उन्होंने बाप सुरजीत सिंह, भरा अशोक कुमार, चाचे देबू ने भी साथ दिता। जो भी इस कंप्लेट के थाने सदर विखे मुकदमा नंबर 341 मिति 19/11/17 अधीन तारा 363 306 120 दर्ज करके अधिनी तफ्तीश ASI जसविंदर सिंह वालों की जा रही है। मोगा से जागृति लहर के लिए बिट्टू पूर्वा की रिपोर्ट।